अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू वुड बी फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, चैप्टर नंबर 3, नंबर सिस्टम। ये चैप्टर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था और इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको नोटबुक्स पे करवाए भी थे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ या फिर क्वान्टिटीज़ को, और इस सिस्टम का नाम है नंबर सिस्टम। और इसकी 4 बेसिकली टाइप्स होती हैं, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड बाइनरी। सबसे पहली टाइप है बाइनरी। बाइनरी की बेस 2 होती है, ऑक्टल की 8, डेसिमल की 10 और हेक्साडेसिमल के 16। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बाइनरी सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है, और इसकी बेस 2 होती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसकी बेस 8 होती है। और डेसिमल में 0 to 9 उसमें इसकी बेस होती है 10 और उसमें डिजिट्स होते हैं 0 to 9। नेक्स्ट, ये 8 नहीं आएगा यहाँ पे, जस्ट 7 देखें। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 एंड 6 अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी ई एंड एफ, और इसकी जो बेस है वो हमारे पास 16 होगी। इससे पहले 2 वीडियोस मैंने आपको सेंड किए हैं ग्रुप में, एक बाइनरी एडिशन वाली, एक बाइनरी सब्ट्रैक्शन वाली। वो दोनों वीडियोस आप लोग देख लें, उससे आपके सम के कॉन्सेप्ट्स और सब्ट्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 और 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 2 आता है। 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 एंड 0। 0 यहाँ आ जाएगा, 1 इसके ऊपर कैरी, फिर वो जो कैरी ऊपर 1 है वो 1 और ये नीचे वाला 1, दोनों ऐड होंगे। 1 और 1, आंसर 2 आता है। 2 का एलसीएम लेंगे, अगेन 1 0 आ जाएगा। 0 यहाँ पे लिख देंगे, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, वो 1 और ये 1 दोनों ऐड होंगे, आंसर 2 आता है। 2 का एलसीएम लेंगे तो 1 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पे और 1 ऊपर कैरी। 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, और अगेन 2 का एलसीएम लेंगे तो 0 एंड 1 आ जाएगा। इस 0 एंड 1 को हम इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी बेस 2 है, जब दोनों की बेस 2 होगी तो आंसर की बेस भी 2 होगी। नेक्स्ट माइनस का क्वेश्चन है, इन सबको हमने माइनस करना है। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आएगा, 2 में से 2 करेंगे तो 0 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब इनकी बेस 8 है तो आंसर में जितने भी डिजिट्स आने चाहिए वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनमें से आने चाहिए। अब अगर इससे बड़ा डिजिट हो जाता है तो वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, मैंने आपको क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था कि बाइनरी को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करना है, डेसिमल को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमने इस हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। जब इसको करेंगे तो इसकी बेस हम सबसे पहले चेक करेंगे, बेस हमारे पास इसकी 16 आ रही है, इसलिए सबसे पहले इधर एक 16 लिखेंगे और यहाँ पे एक 16 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं, एक सी है और एक 5 है, यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। नेक्स्ट पावर लगानी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 1 और अगर आगे कोई और होता तो उस पर 2 लग। सी की वैल्यू 12 होती है, हेक्साडेसिमल से पता चलता है। ए की वैल्यू 10, फिर बी की 11, सी की 12, ये सी की वैल्यू 12 आ गई, देन ये ऊपर वाला 16 की पावर 1 होगी तो आंसर 16 आएगा। और जिस भी नंबर की पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है, इसलिए ये आंसर 1 आ जाएगा। 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा, 5 1 5, दोनों को ऐड करेंगे 197। यहाँ पे मैंने 10 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो बेस डेसिमल वाली लिखेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ एनी 2-बिट बाइनरी नंबर एंड 4-बिट बाइनरी नंबर। ये 2-बिट है और ये 4-बिट है, बिट 1 0 होगी। अब ये यहाँ पे आप 1 0 से भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे, आंसर 2 आएगा। 2 का एलसीएम लेंगे, 0 एंड 1 आ जाएगा, 0 यहाँ पे और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, दोनों 1 और 1 को ऐड करेंगे, फिर से 2 आएगा, 2 का एलसीएम लेंगे तो 0 1, 0 यहाँ पे, 1 कैरी। अब वो जो ऊपर 1 कैरी गया हुआ है वही नीचे एज इट इज़ आ जाएगा और ये वाला 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये सिंपल था, इसलिए 1 और 1 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1, ये 4 1 यहाँ पे मैंने लिख दी है।
अब नेक्स्ट मैंने इस ज़ीरो को उठाना है और इसको सबसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगी, जिस तरह हम दूसरी मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। इस ज़ीरो को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे फोर ज़ीरोज़ आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर फोर डिजिट्स हैं। नेक्स्ट लास्ट वाले वन को उठाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले टू क्रॉस लगा देंगे, उसके बाद इसको फोर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर आ जाएगा। अब हमने इसके बाद इनको ऐड करना है, वन अगेन वन, और वन और वन को ऐड करेंगे तो टू आता है, टू का एलसीएम लेंगे तो ये वाला ज़ीरो और वन ऊपर कैरी चला जाएगा। अब अगर थ्री वन आ गए तो आप थ्री का एलसीएम लेके देखेंगे, लास्ट पे वन और वन बचेगा, ठीक है, वो वन इधर आ जाएगा, वन ऊपर कैरी चला गया। वन और वन को ऐड करेंगे ज़ीरो और आगे वन। अब इन दोनों वन और वन को ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो वन आएगा, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एंड ई एंड ई एंड एफ इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये मैंने आपको नोटबुक्स पे नोट भी करवाया था कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं उसमें जो फर्स्ट नाइन डिजिट्स होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होते हैं। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अल्फ़ाबेट स्टार्स हो जाते हैं और सिक्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, तो 9 तक वो हो गए, उसके बाद 10 से यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है और ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। हमारे फर्स्ट टर्म में हमने इतने ही चैप्टर्स कंप्लीट करने थे, ठीक है, और इन सब के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट हम कल से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो आपका पेपर होगा, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा, उसमें जो आपके फर्स्ट थ्री असेसमेंट वाले चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2, 7 एंड 8, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इसलिए कल जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन से बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सब्सक्राइब माई चैनल।